अंदर लगा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से स्पीड मिल रही है इसके अंदर, और देख सकते हो कि हमारी जो मोटर है वो भी काफ़ी आरपीएम पे घूम रही है। अब भाई अगर आपके पास इस टाइप का खराब पेंसिल सेल पड़ा हुआ है और अगर आप इसको फेंकने के लिए जा रहे हो तो रुकिए जरा, इस खराब पेंसिल सेल से मैं आप सभी को एक 12 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी बनाकर दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, पैसे बचने वाले हैं और हमारी जो वेस्ट चीज है उससे हम बेस्ट बनाने वाले हैं। भाई ये है हमारे पास एक पेंसिल सेल और ये घड़ी के अंदर लगा हुआ था और यहाँ पर ये अब खराब हो चुका है। अब नॉर्मल लोग तो क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे, लेकिन भाई हम इसको फेंकेंगे नहीं और यहाँ पर इससे हम बनाने वाले रिचार्जेबल बैटरी। सबसे पहले इस सेल को हमें ओपन करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लोहे की पत्ती लगी हुई है, इसको यहाँ पर हम खोल देंगे। तो इस सेल को हमने यहाँ पर इस बॉडी से निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इस सेल को यहाँ से बीच में से कट करना होगा और ऊपर की जो जिंक की प्लेट है इसको निकालना होगा और अंदर का जो कोर है उसको भी हमें निकालना होगा। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर की प्लेट हमने निकाली, ये जिंक की होती है और ये जो कोर देख रहे हो आप ये ग्रेफाइट का होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों को निकाल लिया है। यहाँ पर जो हमारी प्लेट है इस प्लेट को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सीधा करना होगा। तो इस टाइप से हम लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और ऊपर से ठोक देंगे। तो भाई इन दोनों को हमें इस टाइप से निकाल लेना है। तो भाई अब यहाँ पर हमें एक डिब्बी लेनी होगी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट डिब्बी है और यहाँ पर इसके अंदर जो ढक्कन है इसके अंदर मैंने दो होल कर रखे ऑलरेडी, और साथ ही मेरे पास यहाँ पर नट बोल्ट है और आप देख सकते हो दो यहाँ पर नट और दो बोल्ट है और यहाँ पर चार वाइसर है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्क्रू है एक बड़ा है और एक छोटा है, जो बड़ा वाला ये प्लस टर्मिनल रहेगा, छोटा वाला जो माइनस टर्मिनल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट है हमें बड़े वाले स्क्रू के साथ में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं एक वाइसर लूंगा और वाइसर को यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हमारे जो ढक्कन है इस ढक्कन के नीचे की साइड से लगाना होगा इस टाइप से, और यहाँ पर हम इसको इस टाइप से लगा देंगे, ऊपर से एक वाइसर और डाल देंगे और यहाँ पर हमारा जो स्क्रू है इसको यहाँ पर कस देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा प्लस टर्मिनल कंप्लीट हो चुका है। अब इसी टाइप से हमें माइनस टर्मिनल भी बनाना होगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक वायर लिया है थोड़ा लंबा सा और यहाँ पर हमारी जिंक की जो प्लेट है इसको एक कोने पे लगाना होगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक होल कर लिया है, इस होल के अंदर यहाँ पर इसको लगा देंगे इस टाइप से। और भाई मैं जो बैटरी बना रहा हूँ इस बैटरी के अंदर आपको कोई सोल्डरिंग आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप बिना किसी टूल का यूज से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफी सिंपल तरीके से बना रहा हूँ मैं, आप सभी को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो है बिल्कुल रियल बैटरी है, आपका काम करके दिखाऊंगा, इसको पूरा यूज करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पर हमने जिंक की प्लेट बांध दी है और यहाँ पर आगे साइड में हमारा जो छोटा वाला स्क्रू है इसको लगा देंगे, ठीक है। और भाइयों अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है। अब इसी टाइप से यहाँ पर भी एक वाइसर लगा देंगे और वाइसर लगाने के बाद इसको नीचे से यहाँ पर बांध देंगे हम, ठीक है, मतलब यहाँ पर कस देंगे इसको। तो यहाँ पर मैं लगा दूँ, और भाई वाइसर यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम टाइट करेंगे ना तो क्या होगा कि यहाँ पर प्लास्टिक टूट सकती है, इसलिए यहाँ पर मैं वाइसर का यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पर हमारा जो है प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल कंप्लीट हो चुका है, छोटा वाला जो है माइनस का है, बड़ा वाला जो है प्लस का है, और यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों को मैंने स्टाप से लगा दिया है यहाँ पर। अब क्या करना होगा भाइयों, इसके अंदर हम यहाँ पर डालना होगा पानी। भाइयों इसके अंदर जो मैं पानी डालने वाला हूँ कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर डाला जाता है पानी, ये वाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो भाई अब हमें लेना होगा यहाँ पर नमक और इसके अंदर हमें नमक डालना होगा। भाई यहाँ पर इसको हम हिला लेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस नमक को।
फाइनली अब इसको ये अगर ना उठा के डायरेक्टली पी लेना है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको पी मत लेना वरना आपके दे उल्टी दे टट्टी लग जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये ढक्कन जो है इस ढक्कन को लगाना है और यहाँ पर इसके अंदर इस टाइप से कस देंगे। तो भाई ये बैटरी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज दिखा रहा है इसके अंदर 0.99 वोल्टेज, मतलब काफी ज्यादा कम है क्योंकि अभी इस बैटरी को हमने बनाया है और अभी ये चार्ज नहीं है। तो भाई इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मेरे पास एक 12 वोल्ट का एडाप्टर है और इस एडाप्टर से हम यहाँ पर इसको चार्ज करने वाले। इसके लिए यहाँ पर मैं फीमेल कनेक्टर को यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर इनका कनेक्शन कर दूंगा। तो भाई अब यहाँ पर इस चार्जर को मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, और जैसे मैंने इसके अंदर चार्जिंग कनेक्ट किया और आप देख सकते हो यहाँ पर पास में आकर, भाई यहाँ पर जैसे मैंने इसको चालू किया है और देख सकते हो कि जिंक की जो प्लेट है इसके अंदर से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं और ग्रेफाइट की जो छड़ी है इसके अंदर भी यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चार्ज होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका जो आउटपुट देखेंगे कितना हमें आउटपुट मिल रहा है और हमारी मोटर भी चलाकर देखेंगे इसके अंदर से। भाई वो देख सकते हो आपकी हमारी बैटरी जो है पूरी चार्ज हो चुकी है और यहाँ पर जो पानी था अंदर वो पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट की चटी थी और उसके ऊपर काला काला जो है केमिकल लगा हुआ था जो पूरा का पूरा इस पानी के अंदर घुल चुका है। अब यहाँ पर इस बैटरी को हम चेक करने वाले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल पर हमारे मल्टीमीटर को हम लगाकर देखते हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि मल्टीमीटर के अंदर हमारी बैटरी जो है 10 वोल्टेज दिखा रही है और इसको मैंने लगभग 30 मिनट के लिए चार्ज किया था और यहाँ पर हमारा जो मल्टीमीटर तो इसमें 10 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक मोटर चलाकर देखने वाले हम, तो देख सकते हैं मेरे पास 555 मोटर है और ये जो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ तो काफी अच्छे से स्पीड मिल रही है इसके अंदर और देख सकते हो कि हमारी जो मोटर है वो भी काफी आरपीएम पे घूम रही है। अब भाई ये जो बैटरी है ये काफी अच्छे से काम करती है, लेकिन भाई इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलती है, कुछ टाइम बाद ये जो बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है और वापस हमें इसको चार्ज लगाना होता है। तो भाई यहाँ पर ये बैटरी काम करेगी लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं करेगी। तो ये आप देख सकते हो हमारी जो बैटरी है रिचार्जेबल वाली बन चुकी है और हमारा ख़राब सेल हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बड़ी।